नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित प्रताप सिंह स्वागत कर रहा हूं आपके अपने YouTube चैनल RS प्रॉपर्टीज़ उत्तर प्रदेश में। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहां हम प्रत्येक प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदते हैं तथा सेल करते हैं और साथ ही रेंट पर उपलब्ध भी कराते हैं। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर और कृषि योग्य उपजाऊ भूमि। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा RS प्रॉपर्टीज़ प्रत्येक प्रकार की भूमि की संपूर्ण जांच पड़ताल एवं उसकी फुल डिटेल्स के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के लिए उपलब्ध कराता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के विवाद या किसी भी प्रकार के संवाद का शिकार बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर प्रॉपर्टी, जो कि कुल है आपकी 25 एकड़ भूमि। जी हाँ, 25 एकड़ भूमि, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में 125 बीघा के समान होती है। तो चलिए हम आज बात करते हैं अपनी इस नायाब प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी जो लोकेशन है वो है आपकी ग्राम निदपुर, या हम इसे जाली ग्राम के नाम से भी जानते हैं। वही हम बात करेंगे इस प्रॉपर्टीज़ की तहसील के बारे में। तो इसकी तहसील जो है वो है आपकी पटियाली। जी हाँ, शहर पटियाली इसका तहसील है, जो कि आपकी ग्राम निदपुर से करीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे इसकी जो जनपद है वो है आपका कासगंज, जो एटा, मैनपुरी एवं फर्रुखाबाद से सटा हुआ है, जिसकी आगरा से दूरी करीबन 100 किलोमीटर से थोड़ी अधिक है। जी हाँ, आगरा से 100 किलोमीटर से थोड़ा अधिक दूरी पर है ये। और मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगा जनपद कासगंज में ये ज़मीन आप लोगों के लिए बहुत ही सस्ते दामों पर हम लेकर आए हैं। ज़मीन की कुल लेंथ तो आपको पता ही है, जो है आपकी 125 बीघा, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं। तो चलिए वहीं हम बात करते हैं इसके लिए आए हुए रोड एवं इसकी स्थिति के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेन मार्केट से इसकी जो दूरी है वो है 8 किलोमीटर आपकी पटियाली से, जो कि पड़ती है आपकी नेशनल हाईवे जो आपका एटा टू बदायूं है, उससे इसकी जो दूरी है वो है 1 से 2 किलोमीटर। जी हाँ, इसकी एटा बदायूं नेशनल हाईवे से कुल दूरी जो है वो 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है। जी हाँ, जिसके लिए आपको मिलता है एक 30 फीट का डामर रोड। जी हाँ, काली सड़क जिसे कहते हैं। जी हाँ, उसकी चौड़ाई जो है वो है आपकी 30 फीट की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर पहले ही देख चुके हैं। तो चलिए वहीं हम आगे बात करते हैं इसकी इस भूमि पर होने वाली फसलों के बारे में। इस भूमि पर हम अनेक प्रकार की फसलें उगा सकते हैं और उनसे अच्छा धन कमा सकते हैं। तो जिसमें आपकी फसल है गेहूं। जी हाँ, गेहूं यहाँ पर अधिकाधिक मात्रा में किया जाता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा इस भूमि पर धान की खेती सर्वाधिक की जाती है। जी हाँ, आप यहाँ धान की खेती कर सकते हैं, साथ ही आप मक्का की खेती कर सकते हैं, बाजरा की खेती कर सकते हैं, आपका गन्ना है, सरसों है, आदि सभी प्रकार की फसलें अपनी इस भूमि पर उगा सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी इस भूमि पर प्रत्येक प्रकार की सब्जियों को भी उगा सकते हैं। जी हाँ, तो ये हुई इसकी कुछ थोड़ी सी जानकारी। तो चलिए वहीं हम आगे बात करते हैं, जो आप अब हम बात करेंगे इसकी सिंचाई के बारे में। जी हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो पानी की गहराई है
जो वाटर लेवल है आपका वो आपका 30 फीट से 50 फीट के मध्य है। जी हाँ, आपकी पानी का जो वाटर लेवल है वो 30 फीट से 50 फीट के मध्य का है, जिसमें आप किसी भी प्रकार के ट्यूबवेल, किसी भी प्रकार की समर का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, आप ट्यूबवेल या समर का प्रयोग से अपने इन खेतों में पूर्ण रूप से सिंचाई कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस भूमि पर खेती में किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। और मैं आपको साथ ही बता दूँ कि यहाँ पर प्रॉपर कई सालों से हम खेती कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी हाँ, ये काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है जहाँ आप प्रत्येक प्रकार की खेती कर सकते हैं। तो चलिए, वहीं हम बात करते हैं इसके नज़दीकी मार्केट या बाज़ार के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इसके नज़दीकी जो मार्केट या आपका बाज़ार है वो यहाँ से कुल दूरी है 8 किलोमीटर। जी हाँ, पहली मार्केट आपकी है मेन जो है पटियाली, जिसकी कुल दूरी है आपकी 8 किलोमीटर। साथ ही में अगर आप इससे भी अधिक कासगंज में, जी हाँ कासगंज में किसी प्रकार के बाज़ार में जाना चाहते हैं तो अगली मार्केट है आपकी कासगंज, जी हाँ, जिसकी कुल दूरी आपकी 25 से 30 किलोमीटर है। जी हाँ, जो इससे भी बड़ा जनपद बाज़ार है वो है आपका कासगंज। जी हाँ, जो आपका जनपद बाज़ार है कासगंज, जिसकी कुल दूरी यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर है। साथ ही आप अगर उससे अधिक 50 से 60 किलोमीटर के आसपास आप एटा जा सकते हैं मार्केट के लिए। 50 किलोमीटर पर आपका मैनपुरी है, साथ ही आपका फरकाबाद, तो इन जगहों पर आप शॉपिंग कर सकते हैं या किसी प्रकार की कृषि योग्य सामान या वस्तु को खरीद सकते हैं। साथ ही में आप इस ज़मीन पर आराम से किसी भी प्रकार से खेती कर सकते हैं। तो चलिए, वहीं हम आगे बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख चुके हैं, इसकी मार्केट कीमत जो है, जैसे कि आपका सर्किल रेट है, वो है 1,30,000 के आसपास। जी हाँ, इसका सर्किल रेट जो है वो 1,30,000 है, और हम जिसे बेचना चाहते हैं वो भूमि आपकी 1,20,000 है। जी हाँ, जिसमें आपको किसी भी प्रकार के विवाद या संवाद का सामना नहीं करना होगा। भूमि को RS प्रॉपर्टीज प्रत्येक प्रकार से क्लियर एवं साफ स्वच्छ रूप से ही अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी RS प्रॉपर्टीज स्वयं लेती है, जिसमें हमारे ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। साथ ही में आप हमारी वीडियो पर या हमारे चैनल पर न्यू हैं या नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप हमारी नई वीडियोस को शीघ्र शीघ्र अपने चैनल पर पा सकते हैं, जिसके लिए आपको बेल आइकन को तो शीघ्र शीघ्र दबाना और साथ ही हमारी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।